हमीरपुर के आदर्श पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बच्चों में राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां बनाई। बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए सुंदर रंग बिरंगी राखियां बनाई गई। बच्चों में भी त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वही छात्राओं ने बताया कि आज स्कूल परिसर में राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि वह अपने भाई के लिए राखियां बना रही हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो राखी है वो भाई बहनों का त्यौहार है। हमारे स्कूल में जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उन्होंने यह राखी का आयोजन करवाया है। इसमें सभी बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, सभी अच्छी अच्छी राखियां बना रहे हैं। हम सभी अपने भाइयों के लिए राखियां बना रहे हैं और ये राखियां हम अपने भाइयों के लिए बना रहे हैं। हमारे स्कूल में राखी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। हम अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियां बना रहे हैं। विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। आदर्श पब्लिक स्कूल में राखी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हम अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखी बना रहे हैं। विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे आदर्श पब्लिक स्कूल में राखी कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया है। हम अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियां बना रहे हैं। विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। आदर्श पब्लिक स्कूल की अध्यापिका अंजू ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक की छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां बना रहे हैं। आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे कंपटीशन करवाया जा रहा है, जिसमें 6 से लेकर 9 तक के सभी बच्चे जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों को प्यारे प्यारे बच्चे जो वो अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए बड़े भैया के लिए राखी बना रहे हैं। इस कंपटीशन में बच्चे जो वो हाथों से राखी बना रहे हैं और बच्चे जो वो राखी धागे से, मनकों से और जो भी अदर क्रिएटिव जो अननेसेसरी वो मटेरियल होता है उसका यूज़ करके राखी तैयार कर रहे हैं।